ऐसे में सीएम कौन? जी हाँ, ये सवाल उनसे जिन्होंने कि पिछले 3 चुनाव में गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार की, एक तरह से कह सकते हैं प्रभारी के तौर पर पूरी रणनीति तय की। हम बात कर रहे हैं श्री अरुण जेटली की, देश के वित्त मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और राज्यसभा में सदन के नेता। जेटली साहब, 2002, 2007, 2012 और 2017 जीत की हैट्रिक जो रही, वैसे तो 1995 से पार्टी जीतती रही लेकिन ये हैट्रिक जो है उसमें आप सीधे इन्वॉल्व रहे। उस पिछले 3 चुनाव और 2017 का जो ये चुनाव है, चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी लगातार राज्य में शासन में। मैं मानता हूं चुनाव कुछ अलग प्रकार का है। 2002 का चुनाव तो ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि उस वक्त की जो राजनीतिक स्थिति हुई, साबरमती एक्सप्रेस को आग लगने के बाद, उस राजनीतिक स्थिति से प्रभावित हुआ। लेकिन 2007 और 12 का जो चुनाव था वो अलग थे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड थे। नरेंद्र भाई के एक व्यक्तित्व का प्रभाव था, गुजरात में उनकी स्वीकृति थी, एक अलग प्रकार के नेता थे, उनके नेतृत्व में चुनाव था और गुजरात ने पुरानी प्रकार की राजनीति से मुक्ति प्राप्त करके एक विकास की बड़ी कल्पना, जिसको बिग आइडिया कहते हैं, उस दिशा में प्रवेश किया था। और इसलिए 2007 और 2012 अपने आप में पॉजिटिव मैंडेट्स थे। 2017 का चुनाव भी पॉजिटिव मैंडेट के लिए है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर कोई कहे कि गुजरात में विकास धीमा है तो उसको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सबसे आगे है, गुजरात की पोर्ट इकोनॉमी, गुजरात का अर्बन डेवलपमेंट, गुजरात एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और गुजरात काफी अच्छे पैमाने पर प्रगति कर रहा है। मैं इन दिनों गुजरात के बड़े महानगरों में जा रहा हूं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उनको देख के बाकी नगरों से तुलना करके उसमें प्रभावित होगा। जो आज से 10 साल 15 साल पहले लगते थे जो आज हैं, वो एक अलग चेहरा उभर कर सामने आता है। विकास के मापदंड अलग हैं यहां पर। लेकिन इस चुनाव को प्रदूषित करने के लिए कांग्रेस की एक विचित्र राजनीति है। चुनाव आरंभ हुआ तो जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का व्यक्तित्व था एक नेशनल पार्टी के तौर पर, वो एक कुछ इश्यूज को हाईलाइट करती थी, उसको छोड़कर एक सुसाइडल कोर्स पे निकली। और वो सुसाइडल कोर्स था कि विकास का मजाक उड़ाओ, यानी विकास गांडू थे वो छे जो कैंपेन था। मुझे लगता है इससे बड़ा डिजास्टरस कैंपेन विश्व के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा। अगर मेरी कोई एजेंसी ऐसा कैंपेन करती तो मैं पहले दिन उनको निकाल देता। गुजरात की जनता उम्मीद रखती है, एस्पिरेशनल है, प्रगतिशील है। गुजरात तो एक ऐसा प्रांत है जो इंटरनेशनली ग्लोबली कनेक्टेड है, हर व्यक्ति का एक ना एक पांव या संबंध बाहर है, उन्होंने दुनिया देखी है और वो लोग उस सीमा तक पहुंचना चाहते हैं विकसित देशों की। और एक एंटी डेवलपमेंट विकास विरोधी प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ लो, ये कभी संभव ही नहीं हो सकता, ये मूर्खता होगी। शुरू करके आधे रास्ते में से उसको, उस कैंपेन को अबेंडन कर दिया और फिर जो 1980 के दशक की एक डिस्कार्डेड पॉलिटिक्स थी जिसने गुजरात को बांटा था कि जातीय आधार पर राज्य को बांटो और जातियों के समीकरण से चुनाव जीतो, विकास से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कुछ राजनीतिक दलों ने फॉर्मूला अपनाया था, वो भी सीमित मात्रा तक सफल हुए। लेकिन किसी डेवलप्ड स्टेट में क्या इस फॉर्मूला में चुनाव लड़ सकते हैं? और ये वो था कि गुजरात ने जब उस राजनीति से जो 1985 की राजनीति थी उससे मुक्ति प्राप्त कर ली तो गुजरात का विकास तब दौड़ा। और आज कांग्रेस एक वापस
घड़ी की सुई को पीछे ले जाकर ये 1985 की राजनीति पर गुजरात को लाने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये कांग्रेस ने जो अपना वैचारिक अस्तित्व भी छोड़ा और अपना संगठन मॉर्टगेज गिरवी कर दिया ऐसी ताकतों के हाथ में, उसका रास्ता कांग्रेस के लिए भी बहुत हानिकारक है और गुजरात के लिए भी नुकसानदायक है, और इसलिए गुजरात की जनता कभी उस झांसे में फंसेगी नहीं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को यह डर है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो तमाम कैंपेन है उसमें बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि 1985 का जो खाम इक्वेशन था, जो जातिवाद की राजनीति थी, नहीं आप उसकी तरफ ध्यान न दें। कोई डर नहीं है राजनीति की बात, कोई डर नहीं है, गुजरात की जनता तो उसको स्वीकार करेगी, इसमें कोई डर नहीं है। लेकिन जनता को याद दिलाना और जनता में उस राजनीति के प्रति जो गुस्सा है उसको पैदा करना, हमारा कैंपेन ये पूरा प्रयास करेगा। आप कल्पना कीजिए कि सारे समस्त गुजराती गुजरात का एक विकास हो, उसके स्थान पर हम टुकड़ों में बांट दें, एक वर्ग को दूसरे वर्ग का दुश्मन बना दें और फिर कहें कि हम राजनीति इस बंटवारे के आधार पर करेंगे, क्या यह संभव है? और ये वो ताकतें हैं, इनका गवर्नेंस से कोई संबंध नहीं है, शासन से कोई संबंध। कल्पना कीजिए ये जो जातिवादी संगठन यहां पैदा हुए हैं, ये कभी सत्ता में आकर शासन चला सकते हैं? कई बार मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूं इशू डाइवर्शन, डेवलपमेंट से डाइवर्ट करना है ध्यान को, अलग ले जाना है और नकारात्मक राजनीति की तरफ ले जाना है, तो ये राजनीति कांग्रेस ने एक इस गठजोड़ के रूप में पेश की है। और मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से, कई कार्यकर्ताओं से कई बार बात होती है, मूल रूप से ये उनके विचार के खिलाफ भी है, लेकिन उनका नेतृत्व एक सुसाइडल कोर्स पे है। लेकिन जो पाटीदारों का जो मसला है, पाटीदार जो सो एक समय बीजेपी के लिए बहुत ही स्ट्रांग पिलर रहे, बड़ा वोट बैंक रहा, जो पाटीदारों के रिजर्वेशन का जो मसला था जिसको हार्दिक पटेल जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया और उस पर कांग्रेस, और कांग्रेस ने भी खासतौर पे जो लीगल प्रोफेशन में आपके अच्छे खासे परिचित हैं कपिल सिब्बल ने जो एक फॉर्मूला निकाला कि नहीं रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और एक जो है देखिए बड़े मुझे लगता है मैंने इसको डिसेप्शन क्लब कहा है, एक दूसरे को धोखा देने वाला क्लब। हकीकत मालूम है कि 1992 से लेकर, इंदिरा सानी के फैसले से लेकर, कोई एक फैसला नहीं आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि 50% की सीमा तोड़ने का हम अधिकार देंगे। और इस 50% सीमा के पीछे जो उद्देश्य था कि आरक्षण का उद्देश्य होता है कि सामाजिक दृष्टि से जो लोग पीछे रह गए उनको आरक्षण देकर बराबर लाना, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड्स हैं, उनको उस बराबरी तक लाना। लेकिन बराबरी तक लाते हुए उस सीमा को बनाए रखना ताकि किसी प्रकार से ये डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करते करते हम अन्य प्रकार का एक डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव शुरू ना करते, और इसलिए 50% की एक सीमा सुप्रीम कोर्ट ने बांध दी। अब वो सही है गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन एक कानून ने बांध दी और वो इस देश के संवैधानिक कानून का एक अंग बन गया। हर राज्य सरकार ने कोशिश की हम उस सीमा से बाहर निकले, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने एक बार नहीं किसी की चलने दी। गुजरात में कोशिश की, राजस्थान में हुई, हरियाणा में हुई, किसी ने चलने नहीं दी। लेकिन क्या ये ईमानदारी है कि पहले हम एक दूसरे को धोखा दें, हमें मालूम है ये संभव नहीं, और फिर अपने समाज को धोखा दें? और मैं इसलिए मानता हूं कि चाहे कोई भी पाटीदार समाज भी, गुजरात के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा उसका रोल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तो ग्रासरूट लीडरशिप एक एक जिले में उस समाज से आती है और उसको इनकरेज करने में हमारा बहुत बड़ा रोल है, और आज भी वो रोल रहेगा और हम करते रहेंगे, और इसलिए बड़ी मात्रा में समाज हमारे साथ रहेगा। लेकिन इस तरह की राजनीति करना जो संभव नहीं वो प्रॉमिस करना, मान लीजिए कल आप को अवसर मिलता है और आप ये कर नहीं पाते तो फिर क्या टूटेंगे? और ये किस तरह की राजनीति इनकरेज कर रहे हैं कि आप मुझे सीट दो, नहीं दोगे तो मैं जाके दफ्तर में पीटूंगा।
तुम्हारे कार्यालय तोड़ूंगा, नेता जाके घरों में छुप गए हैं। ये क्या गुजरात में इस तरह की राजनीति इनकरेज करनी है? अगर इस तरह की राजनीति आ गई तो फिर जो राज्य पीछे रह गए इस तरह की राजनीति करते हुए, क्या राज्य को उस रास्ते पर ले जाना है या इस राजनीति को तो त्याग के हम लोग विकास के रास्ते पर लाए, उस रास्ते को कायम रखना है। आपने कहा गुजरात जो है विकास के मॉडल को चूज करेगा, विकास परक जो राजनीति है उसकी तरफ जाएगा। आप जिस मंत्रालय को संभालते हैं, वित्त मंत्रालय, उस पर आपने एक जो बड़ा फैसला था नोटबंदी का, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो आपने कहा कि नोटबंदी को जिस तरीके से सपोर्ट किया यूपी में मतदाताओं ने, एक तरह से रेफरेंडम था और वो जो है अप्रूव कर दिया गया। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, जाहिर है यहां पर व्यापारी उद्यमी सबसे अधिक हैं और जो है पूरी अर्थव्यवस्था जो उद्यमियों से जुड़ी हुई है, तो क्या जो है ये जीएसटी पर रेफरेंडम होगा गुजरात की विधानसभा? देखिए, कोई चुनाव एक इशू पर रेफरेंडम नहीं होता, चुनाव में मल्टीपल इशूज रहते हैं। लेकिन जीएसटी इस देश का टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। क्या हम चाहते हैं कि ये देश दोबारा 29 बाजारों में बट जाए? क्या हम चाहते हैं कि 17 टैक्स दोबारा एक एक व्यवसायिक के ऊपर लगे? क्या हम चाहते हैं कि एक बार फिर 17 तरह के इंस्पेक्टर, 17 तरह की रिटर्न उसके ऊपर आ जाए? एक फैसले से हमने ये व्यवस्था समाप्त की है। अब नई व्यवस्था आने में कुछ प्रोसीजरल कठिनाइयां आती हैं और जिस तरीके से उसका रैशनलाइजेशन जीएसटी काउंसिल में हम लोग कर रहे हैं, आज मुझे व्यवसायियों ने कहा कि हमें लगता था कि अन्य देशों में वर्षों लगते हैं, हिंदुस्तान में तो 3-4 महीनों में आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। अभी भी कुछ चुनौतियां हैं और जितनी सामने आएंगी हम करते जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है कि बिजनेसिस को इनकरेज करना, सरल करना, उससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है और इसलिए हम ये करते रहेंगे। पिछले 3 चुनाव आपने पूरे प्रचार को एक तरह से स्ट्रेटेजाइज किया, पार्टी उसके सहारे जीती भी। 127, 128, 129 का जो आंकड़ा है, कभी बीजेपी ने गुजरात में क्रॉस नहीं किया किसी भी चुनाव में। ऐसे में जो पाटीदार वाला चैलेंज है, व्यापारियों वाला मसला है, उसके बाद से बीजेपी को ऐसा भरोसा किस वजह से है कि 150 प्लस का टारगेट, जो कि गुजरात के इतिहास में कभी हुआ नहीं, पार्टी अचीव कर पाएगी? कभी 325 का टारगेट सोचा भी था उत्तर प्रदेश में आपने? कभी बीजेपी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत ले जाएगी ये सोचा था? देश की राजनीति आज गणित पर नहीं, उसकी केमिस्ट्री बदल चुकी है और उस बदली हुई केमिस्ट्री में जिस आधार पर लोग वोट डालते हैं, जिस आधार पर मोदी जी को और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, उसमें जो पुराने आपके कैलकुलेशंस होते थे वो केवल कागजों तक या आपके मन तक सीमित रह जाते हैं। ये 2 आंकड़े मैंने आपको दिए, कौन सा हिंदुस्तान पत्रकार या इंटरव्यूअर है या एंकर है जिसने ये सोचा था? किस सेफोलॉजिस्ट ने यह प्रिडिक्ट किया था? तो मुझे लगता है कि ये सारे राजनीतिक पंडित, उनके जो आकलन है अब वो पुरानी सोच पे आधारित हैं, जमीन की बदली हुई केमिस्ट्री पे आधारित नहीं है। गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ ये आरक्षण जैसी चीजें हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि आपने खुद भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को जो है सो आतंकवादियों की भी मदद ली कांग्रेस ने जो है हराने के लिए खूब कोशिश की। इस बार का जो चुनाव है, खुद जो है अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको बल प्रदान करेगा इस चुनाव के नतीजे। देखिए निश्चित रूप से, तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे, क्या निश्चित रूप से दो सभी मुद्दे, मैंने कहा कोई चुनाव एक मुद्दे पे नहीं होता, लेकिन आज तो ये साबित हो गया ना कि इशरत जहां लश्कर ए तौबा का एक मॉड्यूल था, ये आईबी का ऑपरेशन था और एक प्रकार से ऐसी केंद्र में सरकार थी जिसने उस आईबी के ऑपरेशन को जो लश्कर ए तौबा के खिलाफ था उसको राजनीतिक रंग देना चाहा गुजरात की उस वक्त की सरकार के खिलाफ। जो पार्टी इस गिनोनी हरकत को कर सकती है देश के खिलाफ, क्या वो गवर्नेंस की पार्टी मानी जाएगी? ये कांग्रेस ने किया निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि आज जब तथ्य सामने आ गए और स्पष्ट हो गए तो इसलिए जनता इन चीजों को क्या भूल सकती है। चुनाव में व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं, खासतौर पर अमित शाह को लेकर उन पर कांग्रेस हमला कर रही है, साथ में सरकार के ऊपर क्लीन गवर्नमेंट की बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लेकिन राफेल डील को लेकर राहुल गांधी काफी जो है। देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने 10 वर्ष तक इस देश को सबसे भ्रष्ट सरकार दी है। राफेल डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, उसमें उनके कॉकरोची अंकल जैसे कोई बिचौले नहीं थे
और इसलिए एक बेईमान प्रशासन देने के बाद केवल ढाई साल बाद, ढाई साल हो चुके राफेल डील को, ढाई साल तो इनको समझ नहीं आया, चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए गलत बयानी कितनी है, गुजरात में 17,000 स्कूल बंद हो गए, एक स्कूल बंद नहीं हुआ 17,000 बढ़ गए, मोदी जी ने 1,35,000 करोड़ माफ कर दिया, किसका माफ किया, एक रुपया बता दे किसी का माफ किया, कोई जवाब नहीं। राफेल डील में क्या, कौन मिडलमैन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार और सरकार की डील है। एयरफोर्स का आग्रह था कि हमारी कॉम्बैट एबिलिटी चाहिए आक्रमण के लिए हमें, और इसलिए 10 साल एक ऐसी सरकार जो परफॉर्म ना कर पाए केवल उसी आधार पर काम करे। ये इस तरह की बयानबाजी से केवल क्योंकि इनके पास अब मुद्दा नहीं रहा, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस अपना व्यक्तित्व बदल रही है इस चुनाव में, और इसलिए ये मनगढ़ंत अभियान, गुजरात में विकास ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया के मानचित्र पे विकास में गुजरात का नाम है, उनको लगता है विकास ही नहीं हुआ। आपने कहा कि कांग्रेस अपना व्यक्तित्व बदल रही है, क्या कांग्रेस के जो अगले अध्यक्ष बनने की जिनकी तैयारी है राहुल गांधी, वो भी अपना व्यक्तित्व बदल रहे हैं, क्योंकि इस बार जब वो गुजरात के दौरे कर रहे हैं तो लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, अमूमन कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मंदिरों में दौरे से परहेज करते थे, क्या यह सॉफ्ट हिंदुइज्म की जो लाइन है वह पार्टी को मदद, मुझे लगता है कि चलिए मतलब वोट लेने के लिए इस देश की कल्चर थोड़ी सी समझ में आने लगी, इसका तो कुछ लाभ हुआ ही है चुनाव का, यह लोकतंत्र की मजबूरी है, और कोई अगर इस रास्ते पे चलता है तो मैं इस पे इतराज क्यों करूं। लेकिन कांग्रेस तो काफी आसान भी थे, क्योंकि जो है एक तरह से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है इसी चुनाव के बीच में। वो एक डायनेस्टिक पार्टी है, एक परिवार के आसपास खड़ी हुई भीड़ है, और इसलिए वो चुनाव हारे या जीते उनके अध्यक्ष बनने पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जो है जाहिर है 1995 में वह खुद महामंत्री थे, पहली बार जो है बीजेपी अपने बूते पर सरकार बना पाई गुजरात में, 1998 में भी उन्होंने प्रचार की कमान संभाली, 2002 से लेकर 2012 तक के जो तीन चुनाव थे खुद मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने लीड किया, 2017 के जो चुनाव है उसमें भी एक तरह से देख सकते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर उनकी रैलियां प्रपोज की गई हैं, क्या बीजेपी ओवर डिपेंडेंट है नरेंद्र मोदी पर गुजरात में जीत दिलाने? देखिए मुझे लगता है कि जब पार्टी के पास इस कैलिबर का नेता होता है तो पार्टी उसके नेतृत्व का लाभ पूरा उठाती है, और इसलिए उठाना भी चाहिए। मोदी जी का जनता के साथ एक कनेक्ट है, और उस कनेक्ट का लाभ पार्टी को मिलता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का जितना प्रयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे, और उसके सहारे आप लोग एंटी इनकम्बेंसी को इस बार दबा पाएंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वो होती है जब परफॉर्मेंस बहुत खराब हो, जब परफॉर्मेंस अच्छी हो तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। लेकिन फिर कई सारे मंत्रियों को ड्रॉप किया इस बार आप लोगों ने, देखिए कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, पार्टी और सरकार के खिलाफ कोई नहीं। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें जो है क्या वाकई 150 प्लस एचीवेबल? मुझे लगता है अभूतपूर्व विजय होगी भारतीय जनता पार्टी की, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद जेटली साहब। अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री और गुजरात में बीजेपी के चुनाव प्रचार के प्रभारी जो है कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी अभूतपूर्व नतीजे हासिल करेगी गुजरात में, और पिछले 22 साल से जो जीत का सिलसिला है गुजरात में वह बना रहेगा इस बार भी, यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।